हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशास टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट थाली। तो बहुत ही टेस्टी होती है, देखते ही खाने का मन करता है और पेट तो भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो अभी मैं कोकोनट चटनी बना रही हूँ। तो ये चटनी बहुत ही सिंपल मेथड से है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैंने स्मॉल ऑनियन है ये 3 लिए हैं और यहाँ करी लीव्स के पत्ते लेने हैं हमें। कोकोनट लेना है, मैंने यहाँ हाफ कोकोनट लिया है और 5 ग्रीन चिली लिए हैं। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अनुसार, आपको कितना तीखा पसंद है। और जिंजर का 1 पीस लिया है मैंने यहाँ और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो इसकी हमें फाइन पेस्ट नहीं बनानी, ये दरदरा ही पीसना है। देखिए इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, दरदरा होने पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें हम ऐड करेंगे वाटर, आपको जितना पानी चाहिए उतना आप ऐड कर सकते। आपको थिक पसंद है चटनी तो थिक रखिए, थोड़ी सी लूज पसंद है तो लूज रखिए। मैं यहाँ थोड़ी सी लूज बना रही हूँ। देन हमें इस चटनी को तड़का लगाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ स्मॉल ऑनियन 3 लिए हैं और मस्टर्ड सीड्स 1 स्पून लिया है, 4 रेड चिली ली और करी लीव्स के कुछ पत्तियाँ ली है। तो इसके लिए हमें लेना है कोकोनट ऑयल। तो यहाँ साउथ इंडियन लोग सारे कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करते हैं और मैं भी यहाँ कोकोनट ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ऑथेंटिक केरला स्टाइल का मैं सब कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल इसमें ऐड किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स, 1 स्पून मस्टर्ड सीड इसमें डाले हैं, ऑनियन एंड इसे थोड़ा सा भुनने देते हैं। देन हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली एंड कुछ करी लीव्स की पत्तियाँ और इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा भुनने देंगे, फ्राई करेंगे। देन हमें इसमें ऐड करना है जो कोकोनट का हमने पेस्ट बना कर रखा था, वही हम इसमें ऐड करेंगे। गैस को बिल्कुल स्लो ही रखना है, गैस की फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए नहीं तो ये फट जाता है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोकोनट चटनी उबलने के स्टेज पर आने तक हमें इसे हिलाना है। कोकोनट चटनी उबलने के स्टेज तक आई तो तुरंत गैस ऑफ करिए। बहुत ही टेस्टी कोकोनट चटनी बनके रेडी है, बहुत ही ईजी मेथड। तो अब हम इसकी ड्राई चटनी बनाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाफट से बन जाती है। यहाँ मैंने नारियल लिया है, 3 स्मॉल ऑनियन, 1 ग्रीन चिली, 1 रेड चिली और ये ब्लैक इमली है। आपके पास ब्लैक इमली नहीं तो आप इसमें कच्चे मैंगो का पीस भी डाल सकते हैं। करी लीव्स की कुछ पत्तियाँ इसमें डालेंगे और इसे हमें मिक्सी में डालकर पीसना है, दरदरा पीसना है। तो इसमें हमें नमक ऐड करना है और 1/2 स्पून हल्दी भी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए चटनी भी बिल्कुल बन के रेडी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरीके से दरदरा पीसना है। तो अभी मैं बना रही हूँ सांभर। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप तूर दाल ली है। इसे अच्छी तरह से वॉश करके हम थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखते हैं ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। और देन मैंने इसमें ऐड किया है हल्दी, तो 1/2 स्पून हल्दी हमें इसमें ऐड करनी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, तो मैंने यहाँ 1/2 स्पून नमक लिया है और इन तीनों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे पानी, तो मैंने यहाँ 1 ग्लास पानी लिया है। इस कुकर को हमें ढक के गैस पर रखना है, 3 विसल आने तक हम इसे कुक करेंगे। तब तक हम वेजिटेबल क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पम्पकिन लिया है, ग्रीन चिली ली है, ड्रमस्टिक लिए है, कैरेट लिए हैं और ये चाइना है। और हमें लेना है लेडीज फिंगर, 1 ब्रिंजल 1 लिया है मैंने यहाँ, पोटैटो 1 लिया है और ऑनियन 1 लिया है, कुछ धनिया की पत्ती लेनी है, ये बड़ा वाला ब्रिंजल है, टोमेटो 1 लिया है। और इसे हम सभी को अच्छी तरह से कट करेंगे और पहले इस पम्पकिन को हम बाहर वाला हिस्सा इसका फेंक देंगे, मिडिल का भी निकाल देंगे और इसी तरह के
स्क्वायर में पीसेस करेंगे। तो चेना भी पोटैटो जैसा होता है। यहाँ बहुत सारे वेजिटेबल ऐड करते हैं केरला में, और यहाँ के सांभर की टेस्ट बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी होती है। और इससे भी ज़्यादा वेजिटेबल यहाँ ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इतने ही किए हैं। आपके वहाँ किस तरीके के वेजिटेबल अवेलेबल है उसी तरीके के आप ऐड करिए आपके पसंद से। तो इस मिट्टी के बर्तन में कुक करेंगे ताकि इसकी टेस्ट दुगनी हो जाए। इसी तरीके से कुक करने से बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। तो हमने जो कुकर में दाल कुकर ने रखी थी वो लेंगे, और इसमें हम ये जो वेजिटेबल जल्दी पकती नहीं वो डालेंगे। ड्रमस्टिक डाली है, कुक करेंगे, और देन ये थोड़ा सा कुक होने के बाद हम बाकी के ऑनियन टोमेटो जो वेजिटेबल हमने रखे है वो भी इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे कुक करेंगे। देखिए अभी ये कुक हो चुके हैं अच्छी तरह से। कुकर में करने से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, इसी तरह मिट्टी के बर्तन में करने से बहुत ही टेस्टी लगती है, लगता है सांभर। तो अब तड़का पैन गर्म होने के बाद हम लेंगे कोकोनट ऑयल। 1 स्पून कोकोनट ऑयल लिया है, फिर हम इसमें डालेंगे 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। देन इसमें हम लेडीज फिंगर और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। स्मॉल ऑनियन 2 लिए हैं मैंने, यहाँ रेड चिली 4 डाली हैं, और इसे अच्छी तरह से भूनने देंगे। कुछ करी लीव्स भी ऐड किए हैं, और अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सांभर मसाला। तो हम इसमें सांभर मसाला ऐड कर रहे हैं, इसलिए हमें इसमें एडिशनल कौन सा भी मसाला ऐड करने की जरूरत, जैसे कि हींग, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, इसमें सब कुछ है, इसलिए स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, फटाफट से बन जाता है ये सांभर। यहाँ मैंने 3 स्पून सांभर मसाला ऐड किया है, और फिर हम इसे तड़का लगाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू यहाँ फैल रही है गर्मियों के, उसी से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है सांभर में। और सांभर बन चुका है, देखते ही खाने का मन कर रहा है। तो हमें टेस्ट करके देखना है नमक करेक्ट हुआ है या नहीं, और चाहिए तो आप डाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी सांभर बन के रेडी है। तो मुझे लगता है सभी राज्यों के सांभर की टेस्ट अलग अलग रहती है। मैंने तो अब हम बनाएंगे केरला स्टाइल टोमेटो चटनी। तो हम पैन में कोकोनट ऑयल डालेंगे। तो मैंने यहाँ 2 स्पून कोकोनट ऑयल डाला है। देन ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें जो ऑनियन हमने कट करके रखे थे वो डालेंगे। तो ये बड़े वाले ऑनियन हैं, टोमेटो भी बड़े थे, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं टोमेटो, ऑनियन, लहसुन। और इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे स्लो फ्लेम पे, अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि पिंक इसमें कलर नहीं आता तब तक हमें इसे भूनना है। बहुत ही फटाफट बन जाती है चटनी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो। तो मैंने इसमें टोमेटो ऐड किया है, रेड चिली भी ऐड की है। तो ये रेड चिली को मैंने पानी में छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, और इसमें मैंने 1/2 स्पून हल्दी डाली है, 1 स्पून नमक डाला है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करके ढक के रखेंगे थोड़ी देर, और ये पक जाएगा। अच्छी तरह से पकने के बाद ही हमें गैस को ऑफ करना है। इसे 2-3 बार हम इसी तरीके से मिक्स करके रखेंगे और ढक के रखेंगे। तो अभी ये पक चुकी है, अभी हम गैस को ऑफ कर लेते हैं, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम लेंगे एक मिक्सी जार, और इसमें हमने जो ये सारा मसाला भून के रखा है ऑनियन टोमेटो वगैरह वो डाल देंगे, अच्छे से इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो मैं कोकोनट ऑयल तो और इसे गर्म होने के बाद हम तो पहले हम गैस को ऑफ करेंगे और 1/2 स्पून उड़द दाल डालेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है चटनी में। आप ये अच्छी तरह से भूनने के बाद, फ्राई होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स, और फिर हम इसमें डालेंगे कुछ करी लीव्स और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देन हम इसमें डालेंगे रेड चिली, तो मैंने यहाँ 4 रेड चिली डाली है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम चटनी का बॉल लेंगे और इसमें ये उसमें तड़का लगाएंगे।
तो देखिए इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है चटनी का। और अब हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर ढक के रखेंगे इसे। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है यहाँ और बहुत ही टेस्टी होती है चटनी, ये बनाकर जरूर देखिए। तो अब हम बना रहे हैं मेंदू वड़ा। तो इसके लिए मैंने 1 कप उड़द दाल ली है और इसे अच्छी तरह से वॉश करके हमें 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखना है। ये मैंने इसे भिगो के रखा था और ये फूल के डबल हो चुकी है और इसे अच्छी तरह से हम और एक बार वॉश करेंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो मैंने यह दाल को अच्छी तरह से वॉश करके लिया है और इसमें मैंने 2 चिली रखी है और कुछ करी लीव्स रखे हैं, 3 स्मॉल ऑनियन लिए हैं छोटे वाले, और यहाँ हमें ब्लैक पेपर डालना है 1 स्पून। तो मैंने यहाँ ब्लैक पेपर नहीं लिया, मैंने एक ग्रीन ब्लैक पेपर लिया है। इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। लेकिन आपके पास इस तरीके का नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर लीजिए, ये है मेरे घर में तो मैंने लिया है। फिर हम नमक डालेंगे इसमें 1/2 स्पून और इसे मिक्सी में पीसेंगे। इसे थोड़ा सा दर रखना है। देखिए अभी इसी तरीके से मैंने पेस्ट बनाई है और थोड़ा 1 स्पून पानी ऐड करके मैं एक और बार इसे पीस लेती हूँ। इसमें हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो वड़ा अच्छा तरीके से बनता नहीं। तो मैंने यहाँ इसमें 3 स्पून पानी डालकर इसी तरह की पेस्ट बनाई है। तो ये प्रॉपर तरीके से बना है या नहीं हम टेस्ट करके देखेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है और मैंने इसमें थोड़ा सा बैटर डाला है और देखिए ये तैरता है। तो समझ लेना कि हमारा बैटर अच्छी तरह से बन चुका है, वड़ा के लिए परफेक्ट है। तो ये परफेक्ट बना है। देन हमें इसमें ऐड करना है 1 ऑनियन। तो मैंने यहाँ 1 ऑनियन को स्लाइस करके इसमें ऐड किया है और आफ्टर हम इसमें ऐड करेंगे चिलीज। तो मैंने यहाँ 5-6 चिली ली थी और फिर मैं कुछ करी लीव्स के पत्तियाँ इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने हमें यहाँ करी लीव्स की पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा ही डालनी है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें टेस्ट करके देखना है नमक ठीक ठाक है या नहीं। कम लगता है तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करिए और इसे मिक्स करके साइड में रखिए। तो गैस पे मैंने पैन रखा है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल डालने पर इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है, प्रॉपर साउथ इंडियन फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो ऑयल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे वड़ा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से मैंने वड़ा बनाया है। तो पहले हमें आपको पानी में डिप करना है, देन एक गोला लेना है और फिर हम इसे घुमाते घुमाते हुए राउंड बनाएंगे इसका और बीच में होल बनाएंगे और इसी तरह से धीरे से ऑयल में छोड़ेंगे। देन हमें उसी तरीके से पानी में हाथ को डिप करना है और एक हम गोला लेंगे और उसी को राउंड राउंड करके हम उसका भी वड़ा बनाएंगे। देखिए बहुत ही इजी मेथड है ये बनाने का। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको दिखाया है और बीच में होल करेंगे और ऑयल में छोड़ेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे बनाए हैं। तो जैसे कि बेकरी में और रेस्टोरेंट में होते हैं उसी स्टाइल के मैंने बनाए हैं, परफेक्ट इसी मेथड से और ओरिजिनल दाल से बनाते हैं वो लोग, उसमें कुछ भी मैदा वगैरह ऐड नहीं करते। तो मैंने उसी तरीके से सेम बनाए हैं। तो हम इसे मीडियम गैस के पे फ्राई करेंगे ताकि ये बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाए अंदर से भी और बहुत ही क्रिस्पी बने, इसीलिए हमें इसे मीडियम गैस के फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो एक साइड फ्राई होने के बाद हम इसे रोटेट करेंगे, इसे बार बार करना पड़ेगा आपको। और मैंने यहाँ थोड़ा स्पीड किया है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता है इसीलिए। तो मैं फिर कभी डीप में इसका वीडियो दिखा दूँगी। और ये फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। अच्छी तरह से क्रिस्पी बनने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए।
देखिए कितने बढ़िया तरीके से फूल के आए हैं। इसमें हमें सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही टेस्टी मेंदू वड़े बन के रेडी है। आप भी बनाकर जरूर देखिए। तो नेरोस्ट बनाने के लिए मैंने इतना बैटर लिया है। इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। एज पर टेस्ट आपको इसमें नमक ऐड करना है और क्योंकि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो नेरोस्ट बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा तवा लिया है नॉनस्टिक का, और इसमें मैंने बैटर डालकर इसी तरह से घुमाया है। पहले हमें धीरे धीरे से घुमाना है, देन थोड़ा स्पीड करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया बन जाता है। प्रैक्टिस के बाद आपको मने आ जाएगा स्पीड से। तो ये थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम इस पर घी लगाएंगे, और अच्छी तरह से घी लगाना है, देन हम ऊपर से भी घी लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी नेरोस्ट बन के रेडी है, और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट थाली भी रेडी है। तो मैंने इसे ऑथेंटिक केरला स्टाइल से बनाया है, और कभी भी यहाँ रेस्टोरेंट में जाने के बाद ब्रेकफास्ट थाली इसी तरीके से देते हैं। इडली, सांभर, चम्मंदी, वड़ा, नेरोस्ट,